नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। नशा मुक्ति की दिशा में बेहतर कार्य करने पर गांव खाई सुरेला की निवासी नीताशा सिहाग को सम्मानित किया गया। नशे को छोड़ो रिश्ते जोड़ो अभियान के तहत प्रदेश में तृतीय पुरस्कार के लिए चयनित हुई। 20,000 रुपये की राशि से पुरस्कृत किया गया। पल पल सिरसा से विशेष रिपोर्ट। एलनाबाद उपमंडल के खाई सुरेला निवासी नीताशा सिहाग राकेश सिहाग को सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर हरियाणा सरकार ने आज पुरस्कृत किया। नीताशा को यह सम्मान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से दिया गया। उन्हें इसके लिए 20,000 रुपये की राशि पुरस्कार के रूप में दी गई और इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ करणात्मक अभियान श्रेणी के लिए नशा मुक्ति केंद्र कालावाली का चयन किया गया, जिसे 50,000 रुपये की नगद राशि से पुरस्कृत किया गया। ये पुरस्कार आज उपायुक्त कार्यालय में आयोजित सम्मान समारोह में दिए गए। उपायुक्त कार्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा चंडीगढ़ से पुरस्कार प्रदान किया गया। उपायुक्त प्रदीप कुमार ने बताया कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस पर विभिन्न क्षेत्रों में सराहनीय कार्य करने वाली संस्थाओं व व्यक्तियों को राज्य पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाता है। इसी कड़ी में विभाग द्वारा हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद की शाखा नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र कालावाली को सर्व करणात्मक अभियान के लिए प्रथम राज्य पुरस्कार मिला है। इसी प्रकार उत्कृष्ट व्यक्ति उपलब्धि में जिला के खंड एलनाबाद के खाई सुरेला में की नताशा सिहाग को तृतीय पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया। उन्होंने कहा कि नशा मुक्ति केंद्र कालावाली में नताशा सिहाग द्वारा नशा मुक्ति की दिशा में सराहनीय कार्य को लेकर के सम्मानित होना जिला के लिए एक गौरव की बात है। उन्होंने जिला का नाम रोशन किया है और इसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। आप देख रहे हैं पल पल की विशेष रिपोर्ट। बहुत अच्छा लग रहा है, पूरी टीम का बहुत ज़्यादा सहयोग रहा है, प्रशासन का बहुत सहयोग रहा है और मुझे लगता है कि ये इनाम सिर्फ एक पर्टिकुलर मेरे नाम से नहीं है, ये पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद भी करती हूँ और ये इनाम मैं उन्हीं के लिए ही मानती हूँ कि उन्हीं के सहयोग के साथ ही ये इनाम आज संभव हुआ है और पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और जिस तरह से उन्होंने साथ मेरा पहले दिन से दिया और आशा करती हूँ कि ऐसा ही साथ वो हमेशा देते रहेंगे और ऐसे ही हम समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने हितों के लिए काम करते रहेंगे। ये जैसे ही लोकसभा के इलेक्शन ख़त्म हुए थे तब बस कहते हैं कि किसी अभियान को शुरू करने के लिए किसी न किसी सोच की ज़रूरत होती है, तो ऐसे ही एक गांव में जाना हुआ। वहां जब मैंने देखा कि एक मात्र सिर्फ 18 साल का बच्चा नशे के कारण उसकी डेथ हो गई थी और परिवार का बहुत बुरा हाल था, तो तभी मैंने ये सोचा था कि अब मैं पूरे गांव-गांव में जाकर नुक्कड़ सभाएं करके, नुक्कड़ नाटक करके और सेमिनार्स करके बच्चों के अंदर इस बात को लेकर जागरूकता लाऊँगी कि नशे से सिर्फ एक उस व्यक्ति की जीवन ख़त्म नहीं होता, उसके पूरे परिवार का भविष्य ख़त्म होता है। तो उसी दिन से लेके अब तक ये अभियान ऐसे ही चल रहा है। अभी सिर्फ कोरोना काल की वजह से स्कूल और कॉलेजेस बंद हैं, इस वजह से इस अभियान को थोड़ा स्टॉप किया गया है और जैसे ही स्कूल कॉलेजेस ओपन हो जाएंगे तो मैं पुनः उसी तरह से अपने इस कार्यक्रम को शुरू करूँगी। 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस मनाया जाता है, तो इस उपलक्ष्य पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा दिव्यांगों के उत्थान और उनके अधिकारों के प्रति जो संस्थाएं अच्छा काम करती हैं उनको हमने आज सम्मानित किया है। इस कैटेगरी में सर्व करणात्मक अभियान की कैटेगरी में प्रथम पुरस्कार 50,000 रुपये का मेमेंटो प्रशस्ति पत्र के साथ दिया गया है। जो नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र कालावाली है उसको ये प्राइज मिला है। और दूसरी कैटेगरी में पेशेवर उत्कृष्ट व्यक्ति उपलब्धि के क्षेत्र में श्रीमती नीताशा राकेश सिहाग जो गांव वेडक खाना खारी सुरेरा तहसील एलनाबाद जिला सिरसा से हैं, उनको ये इस कैटेगरी में 20,000 रुपये का प्राइज दिया गया है। तो मैं इन सभी को बधाई देता हूँ और ये आशा करता हूँ कि भविष्य में भी इस कैटेगरी में बहुत अच्छा काम करते रहेंगे ताकि सिरसा ज़िले का नाम रोशन करें। अभी कोरोना के कारण हम ये अभियान जोर शोर से नहीं चला पाए, लेकिन हमारी कोशिश होगी जो ही विद्यालय खुलते हैं, कॉलेज खुलते हैं, तब क्योंकि स्टूडेंट्स लेवल के ऊपर ही ये अभियान की ज़्यादा सफलता मिलेगी, तो हम इसकी ऊपर प्लानिंग कर रहे हैं और जो ही स्कूल और कॉलेज खुलते हैं पूरे जोर शोर से अभियान की शुरुआत करेंगे।